अगर आज आप अपने लिए एक नया मोबाइल फोन खरीदने वाले हो तो उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, ये कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में रहता है। इस वीडियो के अंदर यही कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करने वाला हूँ कि कौन सा प्रोसेसर अच्छा है, कौन सा खराब है और किस बजट के अंदर आप लोगों को कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अंडर 10,000 रुपीज की, 10,000 रुपए के नीचे कुछ प्रोसेसर बताना चाहता हूँ जिन्हें हम यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं और कुछ प्रोसेसर जिनको अवॉइड भी करना चाहिए। अवॉइड की बात करें तो यूनी एसओसी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए 2024 के जमाने में, क्योंकि यूनी एसओसी के अभी के समय में वो प्रोसेसर आ रहे हैं 5G वाले जो आज से 2 साल पहले मीडियाटेक के आते थे। इसकी जगह यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 4S Gen 2 है जो अभी तो नहीं मिल रहे उसके फोन्स, लेकिन काफी जल्दी यहाँ तक कि 8,000 रुपए की कीमत में स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 वाले फोन्स मिलेंगे, जो कि स्नैपड्रैगन के लाइनअप पे वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोसेसर होगा। और 4S Gen 2 के बारे में बात करें तो अंडरक्लॉक वर्जन है 4 Gen 2 का, जिन फोन्स की कीमत 10,000 से 15,000 होती है। अगर वैसी 5G और बाकी सारी चीजें अगर 8,000 रुपए के सेगमेंट में आ जाए कितनी कमाल की बात होगी। Xiaomi और Poco के फोन्स आने वाले, इसका आप इंतजार कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे MediaTek के अंदर Dimensity 6020 को देखा सकता है अंडर 10,000 रुपीज में। 10,000 रुपए के ऊपर अगर प्रोसेसर आ रहा है तो अवॉइड करना, 10,000 के नीचे तो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही लगभग 10,000 रुपए के सेगमेंट में बात करें तो Dimensity 6100 प्लस को आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि डिसेंट चिपसेट है। 10-11,000 रुपए में 5G चाहिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, ये प्रोसेसर अच्छा है। इससे अगर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है Snapdragon 4 Gen 2, जो कि अभी Redmi के फोन के अंदर आया था। हालांकि प्रोसेसर ठीक है यहाँ पे, और ओवरऑल 10,000 से 15,000 रुपए की रेंज में एक डिसेंट प्रोसेसर मैं यहाँ पे कहूंगा। इसकी जगह MediaTek का Dimensity 6300 भी देख सकते हैं, जो कि 15,000 या उससे नीचे वाले फोन्स के लिए ही आपको देखने को मिलता है, जो कंपैरेटिवली एक डिसेंट प्रोसेसर, एक अच्छा है और डे टू डे टास्क और आपको 5G कैपेबिलिटीज यहाँ पर निकाल कर देगा। और हाँ, जितने भी प्रोसेसर्स के बारे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, सबके सब यहाँ पे 5G इनेबल्ड है। अगली चीज के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे जो प्रोसेसर कंसिडर कर सकते हैं लगभग 15,000 रुपए के सेगमेंट पे, वो Snapdragon 6 Gen 1। हालांकि नाम से थोड़ा सा पुराना लगता है, लेकिन अभी भी कुछ फोन्स हैं जो मार्केट में हैं, कुछ फोन्स ऐसे जो थोड़े पुराने हो चुके हैं, और 15,000 रुपए तक ये प्रोसेसर एक काफी अच्छी ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है मार्केट में, जहाँ पे 5G कैपेबिलिटीज और डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर 15,000 रुपए के ऊपर जाना है तो Dimensity 7300 जैसा अभी CMF लेकर आई थी, 15,000 से 20,000 रुपए में काफी अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में, Dimensity 7300। लेकिन हाँ, नेमिंग स्कीम गड़बड़ होने के कारण Dimensity 7200 भी अवेलेबल है मार्केट में, और वो ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। आमतौर पे ये प्रोसेसर 20,000 के ऊपर वाले फोन में आता है, लेकिन अगर कोई फोन जैसे IQ वगैरह के 20,000 रुपए के नीचे मिले तो इस प्रोसेसर को जरूर से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो 20 से 25,000 रुपए का सेगमेंट काफी अच्छा है, और 20 से 25,000 रुपए की रेंज में जो प्रोसेसर मुझे बहुत पसंद आया ना, वो है 7 Gen 3। OnePlus के Note CE 4 में आता है लगभग 25,000 रुपए में, वो प्रोसेसर अच्छा है। Dimensity 7200 को भी देख सकते हैं 20 से 25,000 की रेंज में, और ओवरऑल बात करें तो 7 Gen 3 एक काफी रिस्पेक्टेड और काफी पावरफुल प्रोसेसर है। 25 से 30 में बात करें तो MediaTek में Dimensity 8300 Ultra आता है, जो कि MediaTek की तरफ से आने वाला काफी पावरफुल प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर ऐसा है कि आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस निकाल देगा। तो हाँ, ये प्रोसेसर भी अच्छा है। इसके अलावा देखा जाए तो 7 Gen 3 भी अवेलेबल है, जो 7 Gen 3 का एक अपग्रेडेड मॉडल है, और ये प्रोसेसर बहुत जबरदस्त है। 7 Gen 3 के जो फोन्स आए हैं Nord 4, GT 60, कमाल के। 30,000 या उससे नीचे मिले 7 Gen 3 एक टोटली रिकमेंडेड बाय। 30,000 के ऊपर कह सकते हैं तो यहाँ पे Snapdragon के बहुत प्रोसेसर है। कई लोग कहते हैं Snapdragon 8 Gen 2 ले ले, और कुछ कहते हैं 8S Gen 3 ले ले। कंपैरिजन बताता हूँ, ओवरऑल 8S Gen 3 थोड़ा सा बेटर है, उसके प्रोडक्ट्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो आपको AI और काफी सारी चीजें यहाँ पे करके देगा, जिस कारण से 8S Gen 3 30,000 रुपए के सेगमेंट में एक सूटेबल प्रोसेसर हो जाता है। इसके बाद 8 Gen 2 को रखना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे फोन 8 Gen 2 के अवेलेबल है, तो वो भी यहाँ पे काफी अच्छा है। इसके साथ ही Snapdragon के अलावा MediaTek में बात करें तो Dimensity के प्रोसेसर है, जैसे कि Dimensity 9200 वगैरह, ये सब प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। MediaTek की जो रेपुटेशन है ना प्रीमियम के अंदर, उतनी ज्यादा खास नहीं है। Snapdragon काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, तो MediaTek अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर वही फोन लेना चाहते हो तो फिर ले सकते हैं Dimensity वाले। लेकिन Dimensity के फोन जो रहते हैं ना 30,000 उसके नीचे ही ठीक है, ज्यादा प्रीमियम में Snapdragon काफी अच्छे तरीके से रिकमेंडेड है। 8S Gen 3 8 Gen 2 तो हो गए, इवन बात करता हूं अंडर 50,000 रुपीज में Snapdragon 8 Gen 3 भी मिल जाएगा, जो कि बहुत जबरदस्त प्रोसेसर होता है, और ये प्रोसेसर ऐसा कि आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस ऑफ फ्लैगशिप लेवल की
निकाल कर देगा। और इसके ऊपर मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ ही महीनों के अंदर स्नैपड्रैगन 8 जेन 4 आएगा जो कि ऑलरेडी प्रीमियम फोन्स में आएगा। लेकिन 8 जेन 3 के साथ क्या होगा पता है, इसके फोन्स की कीमत डाउन होगी और जैसे इनके फोन्स 50,000 से नीचे मिलने लगे ना तब जाके 40,000 से 50,000 के रेंज में 8 जेन 3 वाला फोन ले लेना, मजा आ जाएगा। इसके बाद बात करें तो एक्सिनोस के अंदर मैं बात कर सकता हूँ, तो प्रीमियम कैटेगरी के जो एक्सिनोस प्रोसेसर आए थे एक्सिनोस 2400 यार वो अच्छा प्रोसेसर निकला यहाँ पे। इस बार काफी सारी चीजों में बात करी थी उन्होंने, काफी अच्छा कंट्रोल भी रखा था तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखा था और AI वाले टास्क को इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। इसके साथ ही सैमसंग अपने S24 अल्ट्रा में यहाँ पे स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी यूज करती है जो कि रेगुलर 8 जेन 3 का एक एडवांस वर्जन है जिस कारण से आपको बेटर परफॉर्मेंस वहाँ मिलेगी। इसके साथ ही एप्पल बायोनिक या एप्पल की जो A17 प्रो आती है इनकी बात क्या करें यार, ये भी अच्छे चिप्स है। ऑब्वियसली अगर एप्पल लिखना है तो एप्पल की बायोनिक और एप्पल के A17 प्रो यहाँ पर ही जाना पड़ेगा। हालांकि A18 चिप भी आने वाली है, नेक्स्ट मंथ ही आईफोन का लॉन्च होने वाला है। उसके साथ एक बात बता सकता हूँ कि वहाँ पे AI के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस होगा और वो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस चिप होंगी A18 वाली 3nm के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आने के बाद पुराने वाले जो iPhones होंगे उनकी चिप्स खराब हो जाएंगे, iPhone का चिप्स कंसिस्टेंट रही है, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यार ये था एक छोटा सा जनरलाइजेशन, बजट से लेकर महंगे तक बता कि कौन कौन से प्रोसेसर अच्छे हैं और आप लोगों की मदद करी कि चूज करने में कि कौन सा प्रोसेसर आपके नेक्स्ट फोन में होना चाहिए। बाय द वे आप लोगों के फोन में अभी कौन सा प्रोसेसर है ये बात नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।